हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर जैकेट डिजाइन लेकर आई हूँ। इसको आप जैकेट में, स्वेटर में या मैच कवर में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन बना है। ये किस प्रकार बनाया गया है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, ये दोनों साइड से बराबर बनता है, इसमें कोई उल्टा और सीधा नहीं है। ये देखिए, अब मैं आपको बनाना बताती हूँ ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए, आप लगा लीजिए कि ये जो ऊपर की किनारी है ये सिंपल चैन है। जैसे हम सिंपल चैन बनाते हैं, ये थ्री चैन मैंने यहाँ पर डाली हैं और इस प्रकार से अब हम बनाएंगे। ये देखिए, धागा लीजिए ऐसे, ये एक चैन छोड़कर यहाँ पर दूसरी चैन में आप यहाँ पर क्रोशिया डालिए ऐसे। एक चैन छोड़ देना है और दूसरी चैन में क्रोशिया डालना है और इस प्रकार से ये क्रोशिया बुनना है। फिर दोबारा से लीजिए, फिर आगे वाली चैन में डालिए, टू क्रोशिया चैन इसी प्रकार से बुननी है। ये देखिए, ये हमने तीन चैन बनाई हैं। अब फर्स्ट वाली चैन हमने छोड़ दी थी, अब इसको कैसे करना है ये देखिए। आप पहले धागा लीजिए क्रोशिया पर और इस चैन को जो छोड़ दिया था इसको तीन चैन बुनने के बाद फिर से लेना है यहाँ पर इस प्रकार से। जैसे स्वेटर में फंदे लेते हैं, फोर फंदे का डिजाइन होता है, उसी प्रकार से ये फोर फंदे का डिजाइन है और इसको उसी प्रकार से बुन देना है जैसे हम क्रोशिया बनाते हैं। ये देखिए, इसमें से पहले दो चैन में से निकालिए, फिर एक चैन में से निकालिए ऐसे। अब आगे भी इसी प्रकार से बुनेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ देंगे और सेकंड वाली चैन में डालेंगे ऐसे, फिर एक बार बुनेंगे और फिर से दो बार। एक बार बुना और फिर दो बार बुना, तीन चैन इसी प्रकार से बुननी है टू। अब फिर से धागा लेंगे और जो चैन हमने छोड़ दिया था उसमें डालेंगे और नीचे से इस प्रकार से बुनकर लेकर आएंगे। अब इनको भी इसी प्रकार से बुनना है। ये देखिए, एक बार ये दो चैन बुना, फिर से दो चैन बुना, धागा लीजिए, एक ये फर्स्ट वाला चैन छोड़ देंगे और सेकंड वाले चैन में डाल देंगे इस प्रकार। ये देखिए, टू थ्री, थ्री चैन टू क्रोशिया बनाना है और फिर से क्रोशिया पर धागा लगाइए और जो फंदा हमने छोड़ा था उसमें से निकाल लीजिए। एक बार ये देखिए, इसमें से निकल गए लेकिन ये धागा बचा है तो इसमें ऐसे निकालना है। अब टू चैन इकट्ठा करना है, फोर फोर चैन मल्टीप्लाई करना है आपको। ए वन चैन छोड़ा और सेकंड वाले में डाल दिया, ये देखिए, ये इस प्रकार से
थ्री क्रोशिया बनाए। अब फिर से धागा लीजिए और ये फर्स्ट वाला जो छोड़ा था इसमें से डाल लीजिए, नीचे के ऐसे लेकर आना है ऐसे। अब इन दोनों में से एक बार लेंगे, फिर दो का एक बार लेंगे, इस क्रोशिया को छोड़ देना और अगली चेन में डाल लेंगे। टू और ये थ्री, फिर से धागा लगाया और फर्स्ट वाले में डाल दिया, ये दोनों बुने, फिर एक बार बुना। अब यहाँ धागा लगाकर इसका लेवल बराबर करने के लिए आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ बराबर भाग चलता रहे इसलिए आप एक चैन यहाँ भी बुन लें। अब वापिस थ्री चेन बुनिए, वन टू थ्री, थ्री चेन सिंपल बुनिए और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से ऐसे ही धागा लगाइए, इस फर्स्ट वाले फंदे को छोड़ दीजिए और सेकंड वाले चेन में डाल दीजिए। ये देखिए दो बार और ये तीन बार, तीन बार डालने के बाद फिर से धागा लगाएंगे और जो चैन हमने छोड़ दिया था उसमें डालेंगे। उल्टी साइड से भी फर्स्ट वाला छोड़ना है और सीधी साइड से भी फर्स्ट वाली चैन छोड़ देनी है। ऐसे लीजिए, ये फर्स्ट वाला छोड़ा और सेकंड वाले में डाल लिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसका प्रयोग आप किसी भी प्रोजेक्ट पर कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार बुनिए और फर्स्ट वाले में डाल लीजिए। ये देखिए ये फर्स्ट वाला छोड़ा और सेकंड वाले बुन लीजिए। वन टू टू और ये फर्स्ट वाले में डालना है। ये टू लाइनें आपको बार बार रिपीट करनी है और इसी प्रकार से ये डिजाइन बनाना है। वन टू थ्री, ये टू लाइनें बार बार आपको रिपीट करनी है और इसी, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।